it's going to be a very weird challenge. हम लोग फर्स्ट ऑर्डर हैं। हाँ। मेनू मंगवा के बोल रहे लास्ट ऑर्डर दे दो। दो जन इतना कुछ खाएगा? खाएंगे कितना कैसे खाएंगे? गाड़ी में कैसे खाएंगे? ये कैसे खाएंगे? वो कैसे खाएंगे? और कुछ नहीं ना, पक्का से श्योर ना भाई। आई एम नर्वस। नर्वस मेरे को ना, जितना खाना खाऊंगी मैं। मीठा है। और थोड़ा सा अपना बेइज्जती करूंगी ब्रांड के सामने, उसके बाद थोड़ा रोऊंगी, उसके बाद खा के खुश हो जाऊंगी। गुड आफ्टरनून फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिनफुल ईटिंग। ये वाले टॉपिक पे ना मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ था, तो बेसिकली मैंने इर्द गिर्द के वाले लोगों का मनपसंद चीज खाया था जिनको मैं जानती हूँ। पता था ये कंटेंट का टॉपिक, बट मैंने उसको ट्विस्ट किया था। बट स्टिल आप लोगों को लगा कि शायद मैंने उसको मिस इंटरप्रेट किया, तो आप लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने सोचा आज मैं वैसे ही करूंगी जैसा सब करते हैं। एंड मैं बोल देती हूँ एक चीज, ये मेरा वीडियो टॉपिक का आइडिया नहीं है। इट्स ट्रेंडिंग, इट्स गोइंग ऑन फूड फैम। आप ही लोग कॉमेंट करते हो इसलिए मैं करूँ। तो आज के में हम खाने वाले हैं letting the person in front of me decide what I eat for 24 hours. I am nervous, I'm excited. In fact, I'm very excited क्योंकि मैं अपने पसंद का खाना खा कर के ना बोर हो चुकी हूँ। So let's see what's there in my destiny. So because ये अभी lunch time हो रहा है, so we are heading to our first destination which is bypass पे Gautam's. बहुत दिन हो गए इसका खाना भी नहीं खाया, देखते हैं क्या मिलता है। It's going to be a very weird challenge too. मैं बोलती हूँ, आप हम लोग से पहले कोई कुछ ऑर्डर किया है? नहीं। अभी तक कोई कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है? नहीं। Oh, no. कुछ ऑर्डर ही नहीं किया? तुम सुबह से एक भी ऑर्डर नहीं किया? नहीं, नहीं, नहीं। आप पहले ऑर्डर दे रहे? हम लोग फर्स्ट ऑर्डर है। Letting the person in front of me decide, na, in front of me is he bhaiya only. It's okay. Favorite खाना हम लोग का है चिकन फ्राई होगा। आपका आपका फेवरेट, आपका फेवरेट, यहाँ का आप खाना खाया है ना? हाँ हाँ। तो आपका फेवरेट क्या है? हमका फेवरेट खाना है चिकन फ्राई। चिकन फ्राई, और उसके साथ तो कुछ खाता होगा? नहीं, ये तो स्टार्टर है। स्टार्टर नहीं। ठीक है, आप चिकन फ्राई दे दो एक। सो बिकॉज अभी 2:30 बज रहे हैं, इस टाइम पे नोबडी हैज ऑर्डर्ड, क्योंकि वो खुलता ही 1-2 बजे के आसपास है। एंड वी द फर्स्ट कस्टमर, सो किसी ने ऑर्डर किया नहीं। मैं इस भैया का फेवरेट फूड खा रही हूँ। आई होप This will work in the challenge, right? अगर नहीं करेगा तो प्लीज मेरे को डिस्क्वालीफाई मत करना, मेरे को फेलियर से बहुत डर लगता है। चिकन फ्राई, चिकन फ्राई, चिकन फ्राई, मैं तो खा ही नहीं कभी गौतम से चिकन फ्राई, पता नहीं क्या होता है। ओ चिकन फ्राई मतलब चिकन क्रिस्पी चिकन? ओ नहीं, डिफरेंट है। आपका नाम क्या है? बापी। ओके, वाह, इसका प्राइस कितना है? 180. Okay, this looks good to me. So, ये है मेरा first item, which is like basically crispy chicken and इसके साथ है ये कुछ spicy chutney. Chicken fry. बापी भैया के हिसाब से it's chicken fry. Let's dig in. So, yes, this is one kind of chutney. I don't know. This is basically chicken pakoda. ये बहुत spicy, sweet spicy chutney है. तो ये chicken fry जो है ना, इसमें ना वो है धनिया पत्ता और मिर्ची और बहुत मस्त लग रहा है। बोल रहे तो खाना तो पड़ेगा। किस्मत खराब है, वाटर में इतना अच्छा खाना मिलता है, चांस ही नहीं मिला। बट पता, कोई आता तो ऑर्डर भी भेज ही करता शायद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई टिप हिम गुड। पहला खाना ही प्रोटीन दिया, अच्छा है। थोड़ा बहुत कार्ब्स है डेफिनेटली, इसमें मैदा है ना इसलिए, बट इतना चलता है। पहला खाना अच्छा, उसके बाद अच्छा नहीं मिलेगा। हम लोग के संग यही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलेगा खाने को। चलो ना यार, मैदान चलते हैं, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हंसने का क्या था? देखो क्रिकेट खेलना है। आता नहीं है तो क्या हुआ? तो लास्ट टाइम खाली क्रिकेट देखी थी, इंडिया हार गया। एकदम नहीं बोलेगा, कैप्टन से चला गया। एकदम ऐसे नहीं बोलेगा, इसका बात मत सुनो, बस फालतू है, इसका अच्छा जवाब सुना करो। ये होगा शायद इधर, ये तो रहा लिटिल रोटी। हाँ,
लिटिल रोटी, लिटिल रोटी। देखिए आगे पार्किंग है तो लगा दीजिए। पार्किंग मतलब यहाँ बाहर भी तो खाते हैं गाड़ी लगा के। भैया बाहर में सर्विस नहीं, गाड़ी में सर्विस नहीं करते आप? पहले तो गाड़ी में सर्विस होता था ना जी, अभी नहीं। गाड़ी में सर्विस करवा देंगे वैसे। मेरे को गाड़ी में ही खाना है। ऐसे इनसाइड भी खाली था पूरा? नहीं मेरे को गाड़ी में ही खाना, तभी तो मैं इधर आई। पहला बात बताओ, सुबह से एक भी ऑर्डर आया है? मेरे से पहले जो लास्ट ऑर्डर था क्या था? हाँ जो उनका ऑर्डर है ना वही मेरे को दे दो। ठीक है टाइम लगेगा कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं, वही खाना जो खाना वो ऑर्डर किया वो सेम खाना मेरे को। I don't know, डर गया। क्या है, क्या हो रहा है? मेनू मंगवा के बोल रहे लास्ट ऑर्डर दे दो। वो बोला कि टाइम लगेगा। वो बोला टाइम लगेगा मतलब पेट भर के खाना मिलेगा मतलब। और अंदर है कितना जन रे? दो जन। इतना कुछ खाएगा? ये एक लड़की एक लड़का है, पता नहीं ये दोनों मिलके कितना खाएगा। अभी वो बंदा फिर देख रहा है, वो पूछ रहा है क्या हुआ, अभी आके फिर पूछेगा। अच्छा ग्रेटिन भी है, वाह अच्छा है। वो दोनों मंगाया उन्होंने, नूडल्स और ग्रेटिन दोनों दे दीजिए। और क्या मंगाया? उनका और फेस लेम छोड़ा है, बेबी कॉर्न है, पनीर टिक्का है। दो जन मिलके इतना कुछ खा रहा है? दो जन किधर है? कितना जन है अंदर? अच्छा लोग है बहुत। वो इस साइड बैठा है। हां इस साइड भी है, वो तो पर्दा लगा हुआ है। वो तो सब बच्चा लोग, वो बच्चे लोग है, दो लोग नहीं हो लोग। अच्छा 8-10 जन होगा। आज तो हालत टाइट होने वाला है। आज मेरे को नहीं लगता है इस मील के बाद और हम लोग का खाने का जगह बचने वाला है। पूरा पैकेज ले आए भैया। अभी 8 जन का खाना मैं अकेले खाऊंगी, तो मैंने तो वैसे रिक्वेस्ट किया था कि गाड़ी में ही सर्व कर दो, बट भैया वाज लाइक अकेले कैसे खाएंगे, कितना कैसे खाएंगे, गाड़ी में कैसे खाएंगे, ये कैसे खाएंगे, वो कैसे खाएंगे, पहले छोड़ो यार बताओ। मैं बाहर आके बैठ के आराम से खाती हूं। This is the first item which is baby corn. Like Hakka noodles grating pata hai, baby corn hai, pata nahi aur kya aayega, I don't know. Ek baar pura aa jata, dekh lete kya kya khana hai. Fir dekha ke ye kha ke pet bhar liya aur dusra kuch interesting aaya, fir wo khana hai. Oh by the way batana bhul gayi, everything is vegetarian up here. Ek kha lu kya? Bhookh bhi laga hai. Chaur bhi aa raha hai. To garlic bread bhi mangaya tha. Are wah, garlic bread bhi hai. Good. Aur kya? Aur प्लेटर है और सेवन अप है। ठीक है दीजिए। गाइस जब तक आएगा ना वो खाना मैं ना खा लेती हूँ, बिकॉज ये गार्लिक ब्रेड ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो येस दिस इज़ बच्चा लोग के जैसा गार्लिक ब्रेड, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो बच्चा का बर्थडे पार्टी चल रहा था। मीठा है, अच्छा। बिट्टू भैया लोग जब भी बाहर जाते हैं दे ऑलवेज टेंड टू ईट baby corn. I never eat baby corn. Fresh lime. Seven up. दोनों seven up है. Seven up. Again बच्चा वाला drink. बहुत दिन बाद पी रही हूँ तो अच्छा लग रहा है. बच्चा वाला लोग का drink अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है. आपके को spicy कुछ नहीं मिलेगा. और क्या होगा पता नहीं, बट अच्छा है। लाइक बेबी कॉर्न इज गुड, इट्स क्रिस्पी, इज गुड। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब बेबी कॉर्न का टेस्ट, मुझे नहीं पता, बिकॉज़ बिट्टू भैया लव्स बेबी कॉर्न, वो बता पाएगा। मैं पसंद नहीं करता, मेरा मजबूरी है वो खाना, मेरा मजबूरी है। मेरा फ्रेंड्स लोग सब वेजिटेरियन है। गार्लिक ब्रेड में मजा नहीं आ रहा। कैसे खाता बच्चा लोग को, एक बार चीजी गार्लिक ब्रेड खिलाना पड़ेगा। बहुत खाना हो जाएगा, मेरे तो इसी में पेट भर रहा है। मस्त से आजकल की मम्मी लोग काफी अच्छी हो गई है, कि ठंड में भी ठंडा पीने के लिए दे रही थी। तो मेरी मम्मी तो बचपन में कभी भी नहीं देती थी, अभी भी ठंड में बच्चा लोग सेवन अप पी के गया। सोचो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम और बेबी कॉर्न नहीं खाया जा रहा है। अच्छा दिस इज प्लैटर, वेज टिक्का प्लैटर। क्या क्या इसमें? हरा भरा कबाब? नहीं, हरा भरा कबाब, तंदूरी आलू, पनीर टिक्का एंड दही कबाब। अरे वाह, यहाँ तक तो मैं एडजस्ट कर लूंगी खाना, इसके बाद का मुझे नहीं पता। चलो यही खाते अभी, चलिए यही खाते अभी। दही कबाब मेरे को वैसे भी खाने का बहुत मन था। गुड यार, नॉट बैड, इसको तोड़ूंगी नहीं। डिप इट इनटू द चटनी। अरे री 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 चटनी कबाब। वाओ वेरी नाइस। लाइक इसमें सॉफ्ट दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है। नहीं ये दही से बना है, कैसे बना होता है यार दही का कबाब? I need to ask Papa Chef to cook दही कबाब at home. Such a beautiful recipe यार, कितना soft है। I still can't believe that this is दही. Let's take it with the salad.
सामने है जो बच्चा लोगों की मम्मी लोग अच्छा जो ऑर्डर दिए है, बच्चा लोग इतना स्पाइसी खाया होगा, बच्चा लोग का छोड़ तेरा तो अच्छा है। सैलड इज सो गुड। बेसिकली क्या क्या है, बीटरूट गाजर प्याज को ना अचार और चाट मसाला वगैरह अच्छे से टॉस किया है और फिर दही धनिया पत्ता नींबू भी डाला है। द सैलड इज टेस्टिंग वेरी गुड, लेट्स ट्राई द हरा भरा कबाब। वाओ, काफ़ी ज़्यादा पत्ता दिख रहा है मेरे को, आई थिंक ये उससे बना हुआ है, पालक साग एंड ऑल, ऊपर काजू है। नॉट बैड। और ये जो पूरा कोर्स ग्राइंड करके डाला हुआ है एकदम पीस के नहीं किया हुआ है, वाओ दिस लुक्स टेम्प्टिंग। No, it doesn't taste tempting. Brahmani patta ke tarah taste kar raha hai. I'm not eating this. Itna healthy nahi khana mere ko. Mummy log bahut intelligent hai jo bachcha ka birthday party dao. Yahan tasty tasty khana deke ye khila di. Isi ke chakkar mein. Dusra item. Wow. Aur gratin and hakka noodles. Aur kuch nahi na pakka se shard na. Koi drink kuch nahi. Done. Why are you nervous? Nervous mere ko na chahiye itna khana khaungi main. He is like so nervous. Okay, let's try the tandoori aloo. अच्छा लग रहा है, मतलब किसी और का ऑर्डर किया हुआ मेनू खा रही हो, हमेशा क्या मैं ही खुद ऑर्डर करके खाती हूँ तो बोर लगता है, तो आज कुछ डिफरेंट भी खाने को मिल रहा है। विंटर का जो नया आलू नहीं होता है वो वाला है बेबी पोटैटो, वाओ पाइपिंग हॉट एंड ऊपर का जो मसाला भी, इट्स वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस, वेरी चटपटा। सच में बोलूँ इंडियन वेज फूड इज ऑसम। मेरे को ये पनीर टिक्का का ना ये बहुत पसंद है, टमाटर शिमला मिर्च और ऊपर टमाटर। कोई आइडिया आया, गार्लिक ब्रेड को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए सैलेड डालती हूँ, इसको मैं अपना वर्जन ऑफ गार्लिक ब्रेड बनाती हूँ, मैं डालती हूँ पनीर चटनी डालती हूँ, दिस इज माय वर्जन ऑफ गार्लिक ब्रेड। हरा भरा कबाब, इट्स लाइक वेरी कड़वा, बच्चा लोग की तरह। दो आइटम और बचे चैलेंज, एक्चुअली हमारे ही बढ़िया अच्छा चैलेंज, इट्स डिलीशियस चैलेंज। वेज और ग्रेटिन काफी अच्छे से बेक किया हुआ है ऊपर से, है ना। ओके, काफी लोडेड वेजीज है, देयर इज मटर आल्सो, गाजर कॉर्न मटर शिमला मिर्च और बीन्स तो मेरे को दिख रहा है। विंटर्स में सब्जियां लाइक इट्स गुड टू ईट। मेरे को लगता है ये प्लेटर मम्मी लोग अपने लिए मंगाई थी, बच्चा लोग इतना स्पाइसी खा ही नहीं सकता है। कितना मीठा, कितना सब्जी है इसमें, बोली होगी एक्स्ट्रा पैसा दी होगी, ज्यादा सब्जी डाल दो, घर में तो ये लोग खाता नहीं है, यहाँ पर वो चीज और ऑग्रेटिन के नाम पे खा जाएगा बच्चा लोग। बहुत सब्जी है, हर एक बाइट में क्रंच है, बहुत ज्यादा लोडेड सब्जी है। In fact, good, it's good. Oh, भगवान जी, लास्ट आइटम फॉर नाउ नूडल्स, एक साथ इतना खाना अब मेरे से उतना सोफिस्टिकेशन नहीं होगा, मैं इसी से डायरेक्ट खा रही हूँ और मेरा मन नहीं है। इसमें भी सब्जी देखो, ऐसे नॉर्मल हक्का नूडल्स में सब्जी नहीं, इसमें ग्रीन अनियन कैप्सिकम गाजर। I'm telling you, the mothers have paid extra money and whole side say they put a lot of vegetables because my kids don't eat vegetables at home, but I eat vegetables. My god, law of diminishing utility ho gaya, now I don't feel like eating. कौन मीठा बनाता है, बट इसमें हल्का सा यू नो स्लाइट विनेगर का काफी अच्छा खटास आ रहा है, तो दैट्स बैलेंसिंग इट अप, अदरवाइज ऑग्रेटिन बहुत ज्यादा मीठा है। वेरी ऑयली, मीठा, हल्का खट्टा, लॉट्स ऑफ वेजीज। ये चैलेंज भारी पड़ गया, तो
Come, brother, from another mother. We have called you to finish off the food. I can't. You have to, brother. I can't. You have to. It's a lot of food. It will get wasted. Please. You guys didn't ask me. Brother, it's all vegetarian. Otherwise, हम लोग खत्म कर देते. Oh, then a big no. बिल का लगा धक्का तुम पे करेगा बिल. मैं जा रहा हूँ. Oh my God, I'm so full. My tummy is spinning. I think I need to do some exercise or some kind of activity so that I can digest the food. So let's go shopping. Monji bhaiya, come a bit closer. Let's go shopping. Monji bhaiya, फिर कहाँ जाएँ? चंदन से कपड़ा दिलाएगा. What? Yes. He's making me shopping. I didn't hear what you told. 24/7 I'm thinking about you, 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 because you will buy me clothes. अच्छा, I'm thinking about you. Please buy me clothes. मैं तो गरीब, बिक गया. अच्छा, thinking about you. Buy me clothes. Thinking about you. Buy me clothes. मेरे पास तो पैसा तक नहीं है. What? Why are you upset? Because I want to buy clothes as per my size, as per my choice. मेरे को size के हिसाब से कपड़े नहीं पहनने हैं. And मैंने जो ले लिया अभी इतना लाइन था चेन्नई में, सो आई जस्ट बॉट इट. अब घर जाके ट्राई करूँगी, जो होगा देखा जाएगा. ऑल्सो फूड फ्रॉम आई वॉन्ट कि एक महीना आप लोग मेरा नॉर्मल डेली ब्लॉग देख लो ना. मैं एक महीना खाना छोड़ना चाहती हूँ सो दैट आई कैन कम बैक टू माई साइज. सिर्फ 10 kilos रिड्यूस कर लूँ, उसके बाद फिर खा लूँगी. बट अभी मेरे को प्लीज़ 10 kilos रिड्यूस करना. प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी. तू मेरे पेट में लात क्यों मार रही है? हेल्प मी लूज वेट. फूड फ्रॉम आप ही लोग कर सकते. वापस आ चुकी हूँ साउथ सिटी अपना बेइज्जती कराने, शॉपिंग करने, चेक करने की वो आए ना ठीक है. वापस आई हूँ. अब मैं जिस जगह पे आई हूँ ज़ारा, वो तो भयंकर वाला मेरा बेइज्जती करने वाला. और अगर आप जाओगे ना मेरे जैसा का फिगर होगा ऐसे टमी वाला, तो आप ना एकदम डिसहार्टेंड हो जाओगे. वेल, ज़ारा में मैं शॉपिंग नहीं करने वाली, बिट्टू भैया करने वाला है. बिग बाजार जाओ. बेसिकली ये पार्किंग जो है वो मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको भूख लगता है. नीचे मत जाना, डायरेक्ट आना, डायरेक्ट आपको फूड कोर्ट के अंदर घुसा देगा. फूड कोर्ट में घुसो, खाओ और निकलो. बट मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, मैं अभी खाऊंगी नहीं. अभी और थोड़ा सा अपना बेइज्जती करूंगी ब्रांड के सामने, उसके बाद थोड़ा रहूंगी, उसके बाद खा के खुश हो जाऊंगी. सो द थिंग इज दैट अभी हम लोग साउथ सिटी मॉल के ऊपर, साउथ सिटी मॉल है ना, उसके ऊपर बैठे हैं. और ज़ारा में घुस के मेरा दिल बहुत टूट चुका है गंदा वाला, बिकॉज मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ. मेरे को पतला होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 0 size फिगर होना है. वैसे मैंने ये कोल्ड ड्रिंक पिया है, मेरे को माफ़ कर देना, बिकॉज सुबह का खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है. ऐसा कुछ नहीं है चैलेंज में कि तो वो तो किसी ने बोला नहीं है ना पीने के लिए. किसी ने बोला भी नहीं कि मत पियो. अच्छा, जो भी है मैंने पी लिया है. ये मेरे को किसी ने बोला नहीं, मेरे पेट ने मेरे को बोला है कि कोल्ड ड्रिंक पियो, बिकॉज सुबह से जितना खाया है यू नीड टू डाइजेस्ट. सो अभी बज रहे 9 एंड आई एम नॉट एट ऑल हंग्री. यू आई एम नॉट हंग्री बट खाना पड़ेगा अभी, क्योंकि अगर अभी नहीं खाऊंगी तो रात को मेरे को खाना नहीं मिलेगा. This challenge is tough. I am not enjoying this challenge at all. Crowd बहुत है, तो last order अगर किसी का group का निकल गया. Oh no! This is the last order. So ये basically Keventer का नया outlet है जहाँ से मैंने first item लिया. Let's head towards the next. दूसरा खाना आएगा तब तक मैं ये खा लेती हूँ. आई एम सो एग्जॉस्टेड. नॉट बैड, आई लाइक इट. आई नीड इट. फ्रेंच फ्राइज काफ़ी दिया है. अच्छा, बाय द वे ये केवेंटर का नया आउटलेट खुला है, विच इज द फ्रैंक गाइज बेल्जियम अनियन रिंग. अनियन रिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऊपर से मेयो डिप और एक 1000 island डिप दिया हुआ है. अनियन रिंग जो है ना, अनियन रिंग के अंदर आलू ऊपर लगाया, फिर पैनको ब्रेड क्रस्ट लगा के फिर उसको फ्राई किया हुआ है. फ्लेवरफुल, क्रीमी. वो
आंटी भैया के भरोसे आज हम लोग खाएंगे, क्योंकि मेरा तो सुबह से हालत खराब है। अनियन तो भालो ना, वही तो अनियन के ऊपर आलू लगाया हुआ, फिर पैन को क्रस्ट में नॉर्मल जगह पे सिर्फ वो रिंग को पैन को क्रस्ट में लगा के फ्राई कर देता है, बट ये डिफरेंट है, इसलिए दैट इट्स बेल्जियम अनियन रिंग। अनियन रिंग फ्रेंच फ्राइज तो फिर भी पता था कि ऑर्डर ये है। अब ये जो काजी से जो मैंने ऑर्डर किया उसके लिए बिट्टू भैया मेरा बिल ले लिया। अब आई हैव नो आइडिया कि मेरे पास क्या आने वाला, कौन सा बिरयानी आने वाला, चिकन मटन क्या आएगा, क्योंकि मटन बिरयानी आई डोंट लाइक, एंड कितना आएगा क्या आएगा नो आइडिया। अभी मोंटी भैया गया लेने, वो लेके आएगा तो पता चलेगा कि मेरा क्या है। मतलब आज मैं खत्म हूँ, पूरा खत्म खत्म है। फिर भी तो आलू खाना बंद नहीं कर दिया, बिकॉज आलू इज भालू। हाथ में क्या लिखा है, व्हाट हैव आई ऑर्डर्ड, ओह माय गॉड, डोंट टेल मी आई एम स्केयर्ड, ओह माय गॉड। दो चिकन बिरयानी और एक चिकन चाप और वाटर मेरे लिए, ब्लू लगून मेरे लिए। हाँ लास्ट ऑर्डर ही था, माय गुडनेस। ये सब अच्छा किया कि टेक अवे फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द रीजन जो नहीं खा पाएंगे घर ले जाएंगे। अ लॉट ऑफ फूड अप हियर, लॉट ऑफ फूड। कुछ भी खाने से पहले सबसे पहले आई विल ड्रिंक ब्लू लगून बिकॉज इट्स मच नीडेड। देखा तुम, देखा धुआं निकला। I don't like beverage, but आज I am in love with beverage. Soda, soda. My God, this was so much needed. In fact, water is also needed, यार. ये green sign क्यों दिया इसमें? Like it's non-veg, no. My goodness, खुशबू तो अच्छी आ रही है. ओके ना बैड। ऑल्सो वी हैव गॉट रायता, बट आई एम नॉट ओपनिंग दिस रायता बिकॉज अभी मैं दही नहीं लूँगी। वाओ, आई गॉट लाइक पीस, कितना छोटा सा ले गया है। नॉट बैड ना, गुड, इट्स गुड। खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। चावल है, चिकन नीचे है, आलू है कि नहीं, मिर्ची ऊपर दिया हुआ है विच इज़ लाइक एप्ट। आलू आलू आलू, वेर इज़ आलू। वी हैव गॉट अंडा, वी हैव गॉट चिकन, आलू, आई लव यू माई आलू। आलू खा खा के मैं हो जाऊँगी भालू, आई लव आलू। इसी में मैं डाल के खा ले रही हूँ। बहुत गर्म है। अरे आई नो आप प्लेट लेके खा सकते हो, बट मुझे मैंने इसलिए ऐसे लिया बिकॉज आई वॉज इन टू द नोशन कि खा नहीं पाऊंगी तो घर ले जाऊंगी, इसलिए। चाप बहुत लाइट है, पता है, देख के वो देख के क्वांटिटी कम ही लग रहा है। वो देख के जो नहीं होता सेंट वाला चाप वैसा है, बट खाने में अच्छा, वेरी लाइट। ओ दो टंगड़ी है, वाह वारे वाह, मजा आ गया। आज का चैलेंज लग रहा है, रादर देन फन इट हैज बिकम लाइक अ पेन इन माय एस, सॉरी इन माय स्टमक। मैं और खा नहीं सकती, आई एम लीविंग। ये बिट्टू भैया और मोंटी भैया फिनिश करेगा, आई एम फुल, एब्सोल्युटली फुल, यू फिनिश इट, मेरा पेट फट जाएगा। अभी दो पीस लेग पीस दिया था, इसमें भी दो पीस लेग पीस दिया, मैं मिर्ची खाना तो भूल ही गई। अच्छा है, लेग पीस हाथ दी उठी खा। Yum yum, tasty tasty. Good. पेट का बैंड बज गया।
honestly, I am effing full. I'm effing tired and I'm feeling effing bloated and I'm not feeling good. And Arts of Food Farm, I am leaving food forever. Not forever, at least for 2 months I will leave food. I will do gymming, I will exercise and I will lose 10 kilos of my weight. Yes. तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर? तुम लोग देखो, 2 महीने में मैं 10 किलोस वेट रिड्यूस करूंगी अपना. जस्ट वेट एंड वॉच. आई विल बी द जीरो साइज फिगर नेक्स्ट टाइम. You won't be zero figure with losing 10 kilos of weight. I will lose 10 kilos of weight in 2 months. Food fam, आपको क्या लगता है मैं 2 महीने में 10 kilos weight reduce कर पाऊंगी कि नहीं? Comment करके बताओ. मेरे support में रहा, ये लोग बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी. Damn, you're dumb. Also, he is saying damn, I'm dumb. I'm quitting the challenge as of now. I am unable to eat any more of food. आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा 8 बच्चों का खाना, like birthday party का खाना एक साथ खाया. I'm like full. And hope you enjoy this video. If you enjoyed this, not video, if you enjoyed this challenge, which was a very tough challenge, then as I always say, like, share, comment and subscribe. And hum milenge next time with some delicious and very entertaining and fun-loving Christmas vlog. Bye-bye, good night and happy eatings. Bye-bye.